हाँ जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फिनोटेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर की दो सबसे ज़्यादा ब्याज देने वाली स्कीम्स के बारे में। और ये दोनों स्कीम्स हैं, पहली पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम और दूसरी है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। देखिए मैं जानता हूँ कि आप इन दोनों स्कीम्स के बारे में पहले भी बहुत सुन चुके होंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी इन दोनों स्कीम्स के कुछ अननोन फैक्ट्स की जिनकी आमतौर पर हमें जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों अगर आपका भी पोस्ट ऑफिस के MIS या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इनमें से किसी में भी खाता है तो इन स्कीम से जुड़ी ये बातें आपको पता होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा बजट 2023 में इन दोनों स्कीम्स के नियमों में जो बदलाव हुए हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको पक्का इन दोनों स्कीम्स के बारे में कुछ ना कुछ नई जानकारी जरूर मिलेगी जो आपको अभी तक पता नहीं थी इनके बारे में। आपको अगर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिले, कुछ नई जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फिनोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम की। दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में एक बार निवेश करने से हमें हर महीने अपनी इन्वेस्टमेंट पर ब्याज मिलता रहता है 5 साल के लिए, जो हमारे पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है हर महीने। और ये स्कीम है भी इसीलिए कि एक बार आप इसमें अपना पैसा डिपॉजिट कर दें और फिर ब्याज आपको 5 साल के लिए हर महीने मिलता रहे जिसको आप उपयोग में ले सकें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक गौर करने की बात ये है कि जो ब्याज का पैसा आपको इस स्कीम से मिल रहा है उसको आप अपने पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट से निकाल के यूज़ कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस पैसे को विड्रॉ नहीं करते हैं तो इस पैसे पर आपको पोस्ट ऑफिस की तरफ से कोई और अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलेगा। मतलब जो MIS से ब्याज का पैसा आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में आया है उस पर आपको सेविंग अकाउंट का ब्याज नहीं दिया जाएगा जो फिलहाल 4% मिल रहा है। तो सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आप या तो उस पैसे को निकाल लीजिए अपने पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट से, और अगर आपको उसकी अभी ज़रूरत नहीं है तो आप उस पैसे की पोस्ट ऑफिस RD करवा सकते हैं जिस पर फिलहाल 5.8% का सालाना ब्याज मिल रहा है। आपके MIS वाले इन्वेस्टमेंट से आपको हर महीने ब्याज मिलता रहेगा और अपने आप ही पोस्ट ऑफिस के RD अकाउंट में डिपॉजिट होता रहेगा। बस आपको एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का फॉर्म भरना है अपना MIS खाता खुलवाते समय। ये दोनों ही स्कीम 5 साल की ड्यूरेशन की हैं। MIS पर अभी आपको 7.1% और RD पर आपको 5.8% का सालाना ब्याज मिल रहा है। ब्याज दरें हर 3 महीने में बदल जाती हैं। MIS स्कीम में आप सिंगल और जॉइंट दोनों तरह से ही खाता खुलवा सकते हैं। बात करें इस स्कीम में अधिकतम निवेश सीमा यानी मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट की, तो 31 मार्च 2023 तक ये 4.5 लाख रुपये सिंगल अकाउंट के लिए और 9 लाख रुपये जॉइंट अकाउंट के लिए है। मगर दोस्तों बजट 2023 में इस स्कीम की मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट को बढ़ाया गया है जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। 1 अप्रैल 2023 के बाद जो MIS खाते खोले जाएंगे उनमें सिंगल अकाउंट की मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट 9 लाख रुपए और जॉइंट अकाउंट की मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट 15 लाख रुपए होगी। पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में अगर आप 1 अप्रैल 2023 को जॉइंट अकाउंट ओपन करके उसमें 15 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको उससे 7.1% के ब्याज से हर महीने 8,875 रुपये मिलेंगे। MIS के बारे में इतना ही, आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। ये स्कीम भारत के सीनियर सिटीजन के लिए है। सीनियर सिटीजन वो हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, कुछ खास केसेस में इसे 55 साल और 50 साल भी माना गया है, इसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। ये स्कीम भारत में सबसे ज़्यादा ब्याज देने वाली सरकारी स्कीम है। फिलहाल इस पर आपको 8.0% का सालाना ब्याज मिल रहा है जो कि क्वार्टरली यानी तिमाही 3 महीने में आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है। MIS में ब्याज हर महीने आता है आपके खाते में और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हर 3रे महीने आता है। पोस्ट ऑफिस की ये इकलौती ऐसी स्कीम है जिस पर TDS काटा जाता है यानी आपका टैक्स काटा जाता है। इस स्कीम से भी जो ब्याज आपके बचत खाते यानी सेविंग अकाउंट में आता है उसको आप विड्रॉ नहीं करते हैं तो कोई अतिरिक्त ब्याज इस पैसे पर भी आपको नहीं मिलता है, जैसा कि हमने MIS के केस में देखा था। इस स्कीम की ड्यूरेशन भी 5 साल की होती है, हालांकि 5 साल के बाद उसको आप एक्सटेंड करवा सकते हैं और 3 साल का एक्सटेंशन और ले सकते हैं। इस स्कीम में भी आप सिंगल और जॉइंट दोनों तरह ही अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन जॉइंट अकाउंट इसमें आप सिर्फ अपने स्पाउस के साथ ही खुलवा सकते हैं। अब यहाँ एक डाउट ये आता है कि क्या पति और पत्नी दोनों की उम्र 60 साल से ज़्यादा होना ज़रूरी है
ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने के लिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर है उसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर सेकेंड अकाउंट होल्डर की उम्र 60 साल से कम भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात करें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट की, तो ये 31 मार्च 2023 तक सिंगल अकाउंट के लिए 15 लाख और ज्वाइंट अकाउंट के लिए 30 लाख रुपए है। लेकिन बजट 2023 में इसकी भी अधिकतम निवेश सीमा को बढ़ाया गया है और 1 अप्रैल 2023 से सिंगल अकाउंट के लिए 30 लाख और ज्वाइंट अकाउंट के लिए इसे 60 लाख रुपए कर दिया गया है। तो अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करके 60 लाख रुपए 1 अप्रैल 2023 को इस स्कीम में डिपॉजिट करते हैं तो 8% के ब्याज के हिसाब से आपको 1,20,000 रुपए हर तीसरे महीने पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में मिलते रहेंगे। लेकिन यहाँ TDS भी अप्लीकेबल है जो कि 10% काटा जाएगा, तो 1.20 लाख का 10% 12,000 रुपए बनता है, तो 1,08,000 रुपए आपके खाते में TDS काटने के बाद आते रहेंगे। बजट 2023 में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की प्री मैच्योर विड्रॉल से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं जो 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। देखिए 31 मार्च 2023 तक जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अकाउंट खुल चुके हैं या और खुलेंगे, उनमें अकाउंट खुलने के 1 साल तक आप अपना पैसा निकाल नहीं सकते हैं, ये नियम अभी है। लेकिन 1 अप्रैल 2023 के बाद जो खाते इस स्कीम में खोले जाएंगे उनमें डिपॉजिट पैसे को आप खाता खुलने के 1 साल तक भी प्री मैच्योर विड्रॉल कर पाओगे। ये बदलाव इसी स्कीम में किया गया है। हाँ, अगर आप 1 साल तक अपना पैसा प्री मैच्योर विड्रॉल कर लेते हो तो उस पैसे पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है, और अगर कुछ इंटरेस्ट आपके खाते में क्रेडिट हो चुका है वो भी प्रिंसिपल अमाउंट में से काट लिया जाएगा। दूसरा एक बदलाव ये रहेगा कि पहले आप जो एक्सटेंडेड पीरियड है 3 साल का, उसमें पहले साल यानी अपनी इन्वेस्टमेंट के टोटल 6ठे साल आप अपने पैसे को प्री मैच्योर विड्रॉवल कर सकते थे, लेकिन 1 अप्रैल 2023 के बाद जिन खातों पर एक्सटेंशन लिए जाएंगे उनको आप एक्सटेंशन लेने के अगले 1 साल तक बंद नहीं करवा पाओगे। ये एक और बदलाव रहेगा 1 अप्रैल 2023 से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के प्री मैच्योर विड्रॉवल के नियमों में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने पोस्ट ऑफिस की MIS और सेविंग स्कीम से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स की बात की, 2023 में जो नए बदलाव हुए हैं इन स्कीम्स में उनको जाना। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया इन दोनों स्कीम्स के बारे में ज़रूर सीखने को मिला है। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इनके बारे में पता चले। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप फिनोटेक से जुड़े रहिए। मिलते हैं जल्द ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा।